जनाब स्पीकर, मैंने तकरीर कोई नहीं करनी, फिर कभी करेंगे। मैं सिर्फ दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। अब खामोश हो जाए, फिर हम तो खामोश थे। तो मैं सिर्फ, क्योंकि बड़ी बड़ी खूबसूरत तकरीर हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त, मैं दाद देता हूँ अपोजिशन को, जिस ज़ुबान में बोलते हैं और जिस तरह तनकीद करते हैं, जैसे हमारे 5 साल गुजर गए और तनकीद की शुरू हो गई। मैं सिर्फ इनकी वजाहत चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई डैम नहीं बने। 25 स्मॉल डैम्स मैं दिखा सकता हूँ जब ये मर्जी आए, बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पर बातें हुई कि इन्होंने कहा है कि ये 250 डैम बनाएंगे। इनको अंग्रेजी की समझ नहीं आती, ये है स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट, छोटे बिजली घर। और सुने, और इसमें तकरीबन 225 तैयार हो चुके, और हमने उन जगहों को बिजली दी जिन्होंने ज़िंदगी में बिजली देखी नहीं। इनको कभी कमीशन तुम्हारा बाप खाता होगा यार, छोड़ो। मैं सिर्फ ये वजाहत करने आया हूँ कि ये जो बातें करते हैं, ये तनकीद सब इनके मुंह पे जा रही है, क्योंकि ये करता धरता यही थे। इन्होंने कहा हमने, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। यहाँ शहबाज शरीफ बैठे हैं, शहबाज साहब ने कहा था कि सूबा तबाह है और ये लोग इनके साथ हिसाब करेंगे। इस इलेक्शन में हिसाब हमारे साथ नहीं हुआ, हम डबल वोट के साथ आए, डबल सीटों के साथ आए और करके दिखाया। तो बाकी जिसने बड़े कारकर्दगी दिखाई, उसका रिजल्ट आपके सामने, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।